है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 7:30। बस मैं सुबह सुबह उठ के कुछ काम के वजह से बाहर गया था मार्केट, तो अभी पहुंचा हूं। तो चलिए थोड़ा ब्रश वश करके फ्रेश होते हैं, फिर कुछ खाते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ सोचते हैं कुछ बनाने के लिए। ये देखिए, मैं थोड़ा सुबह सुबह उठ के मार्केट गया था कुछ काम के वजह से, तो रास्ते के लौटने का टाइम ये वाला मछली लेके आया। ये देखिए, ये रहा कैट पीस, ये समुंदर का कैट पीस है। तो और गांव में आए थे मछुआरे, तो मम्मी ने खरीद के रखा है ये वाला रूही मछली, और ये दो मछली रखा है तो गेलू के लिए। ये बिना काटा वाला मछली है, तो इसलिए मम्मी ने खरीद के रखा है वो तीन मछली। तो ये बनाएंगे आज, और ये भी बनाएंगे। तो चलिए, मम्मी अभी उसे बनाएगा, अभी थोड़ा साफ करेगा मम्मी उसे, तो काट के साफ करेगा, तो फिर ये दोपहर को बनेगा। चलो गुड़ जागो आनो ढाल देगी जाए। मामा लो तू जे रंती बो माने सब मुंड रखी। तू बड़ ख्याल है। तू बड़ खाई वाले जे। आर थाले ओ काटियो गाजी। ढाल दे कर। फिर ये खसरे ढाल दे रो। ये खसरे बोल के छोड़ दे। ये देखिए, ये रहा छोटा छोटा कैट पीस, इसका करी बनेगा। ये वाला कैट पीस भाभी ने भाज के रखा है, तो फ्राई करके यहाँ पे रखा है। साथ में ये तेलापिया मछली रखा है, और ये वाला रूही मछली रखा है। तो ये रहा कैट पीस, इससे बनाएंगे खट्टा। तो ये सारे जो है इसे करी बनाएंगे। तो करी बनाने के लिए भाभी ने मसाला रेडी कर रहा है। तो देखिए, हाँ
ये देखिए आपने जो पानी दिया है ना, ये इमली का पानी है। कौन सा इमली का पानी? ये देखिए ये वाला जो इमली है इसे, ये देखिए ये रहा इमली, तो ये कच्चा इमली है। तो हमारे बाड़ी के अंदर जो इमली का पेड़ है वहाँ से हमने तोड़ा था, तो उसको थोड़ा मम्मी ने उबाल लिया था। तो उबालने के बाद उसका जो पानी है रस, तो उसे वो कटोरी में रखा था, तो भाभी ने उसे करी में डाल दी। तो थोड़ा खट्टा खट्टा लगेगा करी। तो ये इमली का करी कैसे बनता है आप लोगों को टेस्ट करके मैं हम बताऊँगा। तो खाने के बाद फिलहाल मछली करी बन चुकी है, बस अब बनाएंगे खटा। तो ये छोटा छोटा कैटफिश है, इसे बनाते हैं खटा। और देखिए ये वाला जो मछली है ये हमने भाभी ने खट्टा बनाने के लिए रखा था। ये देखिए फाइनली भाभी ने खट्टा डाल दिया है, खट्टा का इमली का पानी डाल दिया है। तो इसे लेके आज खाएंगे, भात के साथ खाएंगे। फाइनली हमारा मछली खट्टा बन चुकी है। ये देखिए फाइनली टाइम हो रहा है रात को 9:30। तो चलिए आज का ब्लॉग में यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर नहीं हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।